अभी अच्छी खासी धूप थी और अब अचानक से एकदम ठंड सी हो गई है और हवा भी चल रही एकदम ठंडी ठंडी, और अभी हम जा रहे हैं इसी ठंडी में ठंडा जूस पी। तो आज मुझे पूजा में जाना है तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये पहनूँ या मैं ये सेट पहनूँ। पहले मेरा प्लान था साड़ी पहनने का, बट क्योंकि मैं और गनू की मम्मी जा रहे हैं, स्कूटी से जाएंगे हम लोग, तो साड़ी पहन के तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सिट इन स्कूटी, तो इसलिए मैं सूट पहन रही हूँ। बट उसमें भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं कुछ लोगों की हेल्प लेना चाहती हूँ, बट वो आके मुझे पता है और कन्फ्यूज करेंगे। बात सुनो, इधर आओ, कम 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 कम, कैन यू हेल्प मी? क्यों निकाल रखा, पता नहीं है जाना है मुझे। तो ये सब पहनने जाओगी मतलब? पूजा में तो ये ट्रेडिशनली पहनते हैं। साड़ी है ये? अच्छा, ये तो वो। अरे नहीं बाबा, सूट है। कौन सा वाला पहनूं, ये रेड वाला या ये वाला? रेड वाला पहनो, अच्छा लग रहा है। हैवी है क्या? नहीं, दिखता हैवी है, हैरी। तुम लोग तो मैंने सुना तुम पहले तो तुम बोले थे साड़ी पहन के जाऊंगी। हाँ, बट हम स्कूटी से जा रहे हैं ना, मैं और भाई, तो फिर स्कूटी पे मैं कैसे पहनूंगी? हाँ, तो यही वाला पहन लेना ना। तो साड़ी नहीं पहनोगी क्योंकि साड़ी पहन के स्कूटी नहीं चला पाओगी, इसलिए चला नहीं पाऊंगी, बैठूंगी कैसे? ओ या, मैं वैसे नहीं बैठ पाती ना, अच्छा दो साइड पैर करके नहीं बैठ पाती मैं। अच्छा ठीक है, ये पता चला करने कुछ जा रहे हैं, कर कुछ हो गया, गिर पड़े। दो साइड पैर करके ना साड़ी पहन के कोई नहीं बैठता। क्यों, मम्मी लोग नहीं बैठते एक साइड दोनों पैर करके? हाँ, एक साइड करके। हाँ हाँ, बट मैं वैसे नहीं बैठ पाती। हाँ, वो पीछे गिर जाओगे, बैलेंस बना सकते हो, टफ होता है ना, कैसे बैठ जाते हैं ऐसे करके, ऐसे बैठो बैठो, मम्मी लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे करके और ऐसे पकड़ लेते हैं। वो एग्जैक्टली कैसे बैठ, पागल हो जाऊंगा ऐसे, लगे तो भाई पीछे में गिर जाऊंगा इसीलिए तो। और साड़ी पहन के ऑब्वियसली दोनों साइड तो पैर करके नहीं बैठ सकते ना, ये वो तो बहुत ही गंदा लगेगा। पहनो, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें आयरन की कमी है तो आयरन कर दो। बोलो, मैंने कभी अपने कपड़ों में किया है? मैंने कभी किसी के कपड़ों में नहीं किया भाई, मुझे आता ही नहीं एक्चुअली। मैं करने जाऊंगा जला दूंगा बिना मतलब, मैं तो नुकसान। मैं तो वो तो कहने की बात है, मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर रही। या तो कर लो या तो फटाक से ले आओ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, इट्स ओके, इतना मुझे आता है। मैं हॉस्टल्स में रही हूँ ना। मैं भी, हाँ मैं हॉस्टल में रहा हूँ, कभी रहा ही नहीं। तुम डे स्कॉलर थे? तो वही हॉस्टल, मुझे पता नहीं। ये पता होता है डे स्कॉलर है, लोग पता क्या कहते हैं, डे स्कॉलर, डे स्कॉलर। तो हमारे तो डेस्क ही बोलते थे। वो ठीक है, बट लोग यूजुअली क्या कहते हैं, स्कॉलर, डे स्कॉलर नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग ही होकर दी है। पता नहीं मुझे, नो आईडिया। मेरा कॉल चल रहा है भाई, तुमने आके ना मेरे से पंचायत करने लगी, ये रेड वाला पहनो, मतलब दो पहनना पहनो, मुझे रेड अच्छा। इतना इंपॉर्टेंट कॉल होता तो उठ के आते। भाई आना पड़ता है आदमी को, पता चले आए नहीं तो फिर उसमें भी बातें हो रही, आजकल तो टाइम नहीं दिया जाता। चल चल जा, बोर मत कर। इतना डिसाइड किया, ये पहनेंगे वो पहनेंगे, ये पहनूं कि वो पहनूं, और एकदम से आज एक्चुअली मंडे है तो इतनी सारी मीटिंग शेड्यूल हो गई कि अब मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि तो फिर मीटिंग सब मतलब इम्पॉर्टेंट है यार, तो मिस नहीं कर सकती। तो अब इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। पता नहीं अभी इसको, ये ना एक्चुअली मैं, मुझे मेरी मिल ने बनवा के दिया था, मदर इन लॉ ने ये सूट, और इसको जब भी मैं पहनने की ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। इसका पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा पहनने का, बट हाँ कभी तो पहन ही लेंगे। अभी तो पूरा साल शुरू हुआ है, ईयर हैज़ जस्ट बिगन, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, कभी पहन लेंगे, कोई नहीं। ये खेलने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर वो है, खाली है, और मेरा तो प्लान ही कैंसिल हो गया यार। कोई नहीं, मीटिंग है तो मीटिंग ज्यादा जरूरी यार, वही बॉटल बॉटल खाली है क्या? हाँ। तुम मेरी बातें मानती हो तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। जाओ जाओ जाओ, भर के ले आओ जल्दी, टाइम हो रहा है। नहीं, हमेशा नहीं मानती हूँ, जब तुम्हारा अच्छा मूड होता है तभी मानती हो। लाओ, गेम में गेम, ऐसा दूसरों को तुम बता सकते हो पर मुझे तो पता है। नींद आ रही है क्या तुम्हें? तुम्हारी मीटिंग है भाई अभी, तभी तो आ रही है। 4:30 वाली मीटिंग हो गई तुम्हारी? मैंने मुझे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मेरी भी उसी टाइम पे मीटिंग थी। 4:30 वाली हो गई है, अब 6 वाली है, फिर 7:30 वाली है। ऐसा लगता है कि कंपनी का सारा बोझ इनका। नहीं, सबको होती है यार इतनी मीटिंग, तुम्हें बस को नहीं, सबको होती है। चलो मैं जा रहा हूँ खेलने, बाय, अपना फोन पकड़ो। मैं फिर से रेडी हो गई, मतलब फिर से क्या रेडी हो गई, मतलब पहले मेरा प्लान कैंसिल हो गया था और अभी मैंने फिनिश ऑफ की सारी मीटिंग्स, और अभी आप टाइम देख सकते हो 8:30 हो रहा है। मैं फ्री हुई हूँ, रेडी हुई हूँ, क्योंकि जिनके यहाँ जाना था उन्होंने यही बोला कि कोई बात नहीं, लेट भी आओ बट आ जाओ, तो हमने कहा कि फिर हम चलते हैं। जाना था 5:30 पे, हाँ जा रहे हैं 8:30 पे, क्या कर सकते हैं यार। तो गड्डी का भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है यार। अब तुम खाना वहीं जाके खा लेना। तो पैकेट ले लेना, नमकीन का पैकेट वाला। कौन सा? ये वाला पैकेट चले। हाँ ले चल, साथ रहना रास्ते में। कार निकालो, मैं आती हूँ लॉक ऑफ करके, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है ना, लाइट ऑफ करना। पानी की बोतल ले लेना प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ठीक है, जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। सिंगल्स खेला है ना,
और एक बात मैं बता दूं, सोनू नहीं है, मैं कोई सेवा नहीं दूंगी। सोनू होता मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम लेट करवा रहे हो पहली चीज तो। चल आ रहा हूँ। भूखे प्यासे आदमी को मैं ले आई हूँ। पूजा हमारी है, तुम क्या करने आए हो? ड्राइवरी, एक वो होता है टर्म, ड्राइवर, मालिक को इधर उधर ले जाता है, भूखा रहे, प्यासा रहे, नींद में रहे, मालिक की नौकरी चाकरी बजाता है, वही बजा रहा है। देखो फोन से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, फोन ढूंढ रही हूँ, दिमाग देखो। मालिक पागल है मेरा। पानी की बोतल इसी में रख दे। हाँ रख दो, पी लिया ना? या दे दो, इधर दे दो। कुछ लोग ना अपनी हैसियत से ज्यादा गेम खेलते हैं और फिर इनके पैरों में दर्द होता रहता है। कूदने लायक नहीं रह गया। तो ऐसा ऐसा क्यों खेलो कि एक ही दिन खेल पाओ? मारा ना तो सही से लैंड नहीं किया। हल्का सा हो गया, ठीक है अभी गर्म पानी से वो करूंगा, सही हो जाएगा। गर्म पानी या आइस से। आई नो यू आर मिसिंग सोनू। ढल गया दिन, गई रात, तो जानते नहीं रहना यार। हल्दी और कुमकुम एक साथ लगा दो बस। मैं भी आपकी लगा। आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओ वाओ अद्वी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, और गिफ्ट भी लेके आई अद्वी। अभी हम लोग फ्री हुए हैं हल्दी कुमकुम के बाद से, और लोग अपनी गाड़ी की चाबी तो कहीं घूम घुमा के आ गए हैं। घुमा के नहीं आ गया था, रख दिया था भाई। ए बाहर में क्या? ए बाहर में, बाहर ही हूँ, कितने बाहर में। नींद आ रही है यार बहुत तेज, खाना बहुत खा लिया है तुम्हें। और आता क्या, नींद आती है, भूख आती है, दो ही तो चीज़ें आती हैं जिंदगी में, और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, तो इसलिए मुझे भूख आती तो मैं रोटी खाता हूँ। ठंडी है यार बहुत ज़्यादा, दिल्ली जितनी नहीं है बट है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी घर। हम ना करते करते मतलब ऐसा लग रहा था नहीं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, फिर भी होके आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यम खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और घर का खाना तो मतलब घर का खाना होता है यार, बाहर चाहे आप जितना खा लो। और कीर्तेश ने तो इतना खा लिया है कि जाके सीधा बेड पे लेट गए, और आज वो खेलने गए थे तो उनके पैर में एज यूजुअल क्रैम्प लेकर आए हैं, वो लेटे हुए हैं। मतलब ही सच अ फ्रेजाइल सोल, कहीं जाते हैं तो टूट के ही आते हैं। उनके ना एक ऊपर स्टिकर लगा देने वाला है, हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल आइटम। तो वो अभी लेट गए जाके, और मैं भी बस जाती हूँ, चेंज करती हूँ, और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप यू गाइज हैव Like this vlog. If you do, don't forget to subscribe to my channel. Like this video, share this video. Till then, take care. Bye bye. और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए vlog के साथ.